नमस्कार, पायनियर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि तीसरी लहर, कोरोना की तीसरी लहर आना बाकी है, ऐसे में सरकार को पहले से ही तैयारी करने की जरूरत है। मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वैज्ञानिकों ने चेताया था कि दूसरी लहर आना है, लेकिन सरकार ने उसके बावजूद भी कोई तैयारी नहीं की, दूसरी लहर को संभालने में विफल रही। राहुल गांधी ने कहा कि दूसरी लहर में जिनको बचाया जा सकता था उनको नहीं बचाया गया। 90% मौतें सुविधाओं के अभाव में हुई। अगर अस्पतालों में बेड्स होते, ऑक्सीजन होते, तो इतने लोग अपनी जान नहीं गंवाते। उन्होंने सीधे सीधे सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि तीसरी और चौथी लहर आने की संभावना है, ऐसे में सरकार को पहले से ही तैयारी करने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की तरफ से एक श्वेत पत्र जारी किया है और कहा है, इसमें तीसरी लहर की तैयारी, दूसरी लहर की खामियां, आर्थिक रूप से मदद और पीड़ित परिवारों को मुआवजे की व्यवस्था का जिक्र है। राहुल ने कहा कि जब तीसरी लहर आए तो आम लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हो और जिनके परिवार में कोरोना से मौत हुई है उन्हें आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में दूसरी लहर जब पीक पर थी तो प्रधानमंत्री का फोकस पश्चिम बंगाल चुनाव पर था। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा व्हाइट पेपर सिर्फ सरकार की खामियों को उजागर करने वाला है, अगर सरकार इस पर ध्यान देती है तो उससे फायदा होगा। उन्होंने कहा कि जब मनमोहन सिंह ने सलाह दी तो सरकार के मंत्री ने मजाक उड़ाया, लेकिन 2 महीने बाद वही सरकार को करना पड़ा।